हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। भारत के समेत 11 अलग अलग राज्यों की पुलिस भारत के मशहूर डॉन विजय माल्या को पकड़ने में लगी है, लेकिन जिस तरह से वो छात्र डॉन इन सबको चकमा देते हुए भारत से फरार हो गया, उसको देखते हुए लगता है कि उसको पकड़ना अब इनके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। फिलहाल विजय माल्या को सिर्फ एक ही दिक्कत है कि वह जो भारत बैंकों का 9,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा लेकर भागे हैं, कहीं उसको रिकवर करने के लिए भारत में उसकी अनगिनत प्रॉपर्टी और अन्य संपत्तियों को जब्त ना कर लिया जाए। इसके चलते अब विजय माल्या ने भारतीय बैंकों का सारा कर्जा उतारने का मन बना लिया है, लेकिन मुश्किल यह है कि वो इतना सारा पैसा कहाँ से इकट्ठा करे। तो लंदन में बैठे विजय माल्या को उसी के दूसरे भगौड़े दोस्त ललित मोदी ने सलाह दी कि वे फिल्म बनाने का कारोबार शुरू करें, क्योंकि शराब के बाद यही एक ऐसा कारोबार जिसमें ना ही सिर्फ बेइंतहा पैसा है बल्कि यह पैसा जल्द से जल्द बनाया भी जा सकता है। विजय माल्या, जिसने अपना सारा नाम और पैसा सिर्फ शराब बनाने के कारोबार से कमाया है, अब जल्दी ही बॉलीवुड फिल्में बनाने वाला है। सुनने में आया है कि यह फिल्में भी वह किंगफिशर फिल्म्स के बैनर तले बनाएगा और किंगफिशर फिल्म्स की पहली फिल्म होगी विस्की डोनर। विस्की डोनर के बाद आने वाली फिल्मों की सूची कुछ इस प्रकार है: सोडा अकबर, रम ने बना दी जोड़ी, रम दे बसंती, रब ने पिला दी थोड़ी, बियर जारा, हम टाइट हो चुके सनम, कभी विस्की कभी रम, बेवड़े जमीन पर, ब्रांडी राठौर, एक था किंगफिशर, और आखिर में जिस फिल्म का सभी को बेसब्री से इंतजार है वह है भाग माल्या भाग। सबसे बढ़िया और अनोखी बात, इन सब फिल्म्स को देखने वाले को सिनेमा में बियर, विस्की, रम इत्यादि कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, है ना सोने पे सुहागा। यह वीडियो एक काल्पनिक खबर पर आधारित है। इसका मकसद केवल हास्य व्यंग, स्वस्थ मनोरंजन और राजनीतिक कटाक्ष करना है, किसी की मान हानि करना नहीं। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।